24 तारीख को जो हमने नामांकन इनको दिया है उसमें इन्होंने क्लियर कहा है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया 24। कल फिर हमने जो पार्टी सिंबल पे जो नामांकन किया है उस समय भी है ना हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं कि 3 बजे हमें नोटिस दिया कि आप दिल्ली जो है चुनाव आयोग से लिखवा के लिए कि जो आप डिसमिस हुए वो किस आरोप में हुए हैं, जबकि मैंने हमारा जो BSF का जो सर्टिफिकेट डिसमिस का जो प्रमाण पत्र है वो भी पेश कर दिया, शपथ पत्र भी मैंने दिया है कि अगर दी आप मैं गलत पाया जाता हूँ शपथ पत्र का क्या अर्थ है, तो आप मुझे जो सजा देना दीजिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने नोटिस दिया कि नहीं, तो नोटिस का अब हम जवाब बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग से लिखवा के लाइए। जी आयोग से लिखवा के। कितनी देर में? उन्होंने सुबह 11 बजे से पहले का समय दिया है, अभी 3 बजे नोटिस दिया है। संभव है ये? नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है, ये तो जानबूझ के साजिश रची जा रही है। किसकी तरफ से साजिश आप? साजिश रची जा रही है सरकार की तरफ से रची जा रही है, वो नहीं चाहते कि मैं चुनाव मैदान में हूँ, मोदी जी नहीं चाहते, साफ सीधे सीधे तौर पे है। पार्टी के जो प्रमुख हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो नहीं ला सकते? नहीं, इतने इसने समय में ये चीज़ हो ही नहीं सकता, संभव है ही नहीं। चुनाव आयोग को अगर हम ये देंगे तो चुनाव आयोग पहले BSF से पूछेगा, BSF क्या भैया किस आरोप में बर्खास्त है, जबकि मैं खुद डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ ना इनको, ये डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, मैं किस चीज़ में बर्खास्त हूँ? आज 2 साल से बारह सिर्फ अनडिसिप्लिन केस है और रिटर्निंग अधिकारी उस आरोप को पढ़ा है और वो खुद कह रहे हैं हाँ अनडिसिप्लिन केस है, लेकिन ऑब्जर्वर जो है उन्होंने जो ऑब्जेक्शन कर दिया। अपील भी की है? हाँ, उसके लिए अपील मैंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में डाला हुआ है ऑलरेडी। आरोप क्या था बर्खास्त के पीछे? बर्खास्त की अनडिसिप्लिन केस है, सिर्फ अनडिसिप्लिन केस, ये साजिश रची जा रही है जान साजिश के तहत, कि मोदी जी को पता है अगर जी जवान यहाँ पर खड़ा होगा असली चौकीदार तो उनकी हार निश्चित है, इसलिए साजिश रची जा रही है और कुछ भी नहीं। ये सारी प्रक्रिया तो इलेक्शन कमीशन देख रहा है, मोदी जी को क्यों? इलेक्शन कमीशन, मोदी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कह रहा? इलेक्शन कमीशन जवाब देना हमें, हम नोटिस दे रहे हैं उसका, इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं बताया हमें? जब मैं 24 तारीख को नामांकन किया था तब इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं हमें बताया? कल हमने नामांकन किया तब इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं हमें बताया? जब हम एफिडेविट दे रहे हैं सब कुछ दे रहे हैं, एफिडेविट की कोई वैल्यू नहीं है? आपने जांच शुरू हुई है? नहीं, जांच पर किया उस टाइम, जांच करके ही तो हमको यस दिया जाता है, जो रिसीव हमें दिया गया है, जितने भी हैं जिनकी कमियां थी वो आज पूरी की जा रही हैं, जो हमारे में कोई कमी थी नहीं हमें क्या पता? आपकी कमी तो बताई गई, आपको नोटिस दिया गया, अभी नोटिस दिया। आप मुझे बताइए क्यों 11:30 बजे क्यों नोटिस दिया गया, कितने बजे? 3 बजे नोटिस दिया गया है, और ये बनारस है, आप बताइए बनारस से दिल्ली जाने के लिए कितना समय लगता है, और 11 बजे पहले जवाब देना है, जानबूझ के किया? तेज बहादुर जी, क्या रास्ता बचा आपके पास? रास्ता बचा है पब्लिक के ऊपर है, देश की जनता जो रास्ता दिखाएगी अब अपने आप दिखाएगी। तो सपा मुखिया भी आपके साथ थे तो सभी हैं साथ में, पूरा देश खड़ा है मेरे साथ में, और देश देखेगा किस तरह जो है संविधान की जो सरेआम हत्या की जा रही है, तानाशाही हिटलरशाही शासन है ये, इसका हम तोड़ जवाब देंगे, जवाब लाने की कोशिश करेंगे दिल्ली से। कोशिश हमारी जारी है, हमारे वकील दिल्ली में भी हैं, चंडीगढ़ सब जगह हमारे वकील लगे हुए, हमारी पूरी पूरी कोशिश है। आपके साथ पार्टी वाले अभी कहाँ हैं? पार्टी के लोग हमारे साथ हैं सभी, वो लगे हुए हैं सभी इन विषयों पे लगे हुए हैं सभी लोग। अखिलेश जी से बात हुई क्या? हाँ, हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ के जिला अधिकारी वगैरह सभी संपर्क में लगे हुए हैं, दिल्ली से बातचीत हो रही है, जो भी होगा। आपकी अखिलेश यादव जी से बात हुई अभी? नहीं, मुझे क्या जरूरत है, जब पूरी पार्टी साथ खड़ी है तो वो करेंगे अपने आप। कल जब आप नामांकन करने आए शालिनी जी आई जी, उस समय ट्वीट किया गया कि आप अधिकृत प्रत्याशी, आपको बताया गया जी बिल्कुल। आज जब आपको 3 बजे नोटिस मिला है आपने जी जी, उसके बाद क्या किसी पदाधिकारी ने से बात की और आप तक क्या बताया? सभी रेगुलर जो हमारी बातें चल रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दुरुस्त किया जाए किसी भी तरीके, हमारी चर्चाएं चल रही हैं, बातें चल रही हैं, जो भी होगा आगे हम बताएंगे। लीगल मैं राजेश कुमार गुप्ता एडवोकेट हूं और मैं तेज बहादुर जी का जो है लीगल एडवाइजर हूं, और आज बड़े हास्यास्पद स्थिति ये हो गया कि जब कोई व्यक्ति जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक चुनाव में जो प्रक्रिया में भाग लेने का जो एक प्रक्रिया है, उनमें फॉर्म जमा करने के बाद नाम निर्देशन की जाल सूची का एक प्रपत्र सौंपी जाती है, और जो मुझे प्रपत्र सौंपा गया उस प्रपत्र में कहीं भी किसी प्रकार के किसी भी दस्तावेज को जमा करने का उल्लेख ये निर्वाचन अधिकारी बनारस के DM महोदय द्वारा नहीं किया गया था। आज सुबह 8:30 बजे एक विशेष आवेदन आया आंध्रा से, और 2:30 पर जैसे ही हम लोग को बुलाया गया, निर्वाचन अधिकारी बनारस के ऊपर दबाव बनाते हुए एक लाइन की बात किया कि आपको मामले उपरोक्त में सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबकि सच्चाई ये है कि 80 बटालियन BSF के द्वारा, उसकी एक संक्षिप्त अदालत होती है, उस अदालत के द्वारा हमने उस BSF के जो नियमावली होते हैं, जो सेंटर एक्ट में होते हैं, उस एक्ट के अनुसार जो मैंने मुझे अनुशासनहीनता का अपराध माना गया है, और जिस भारतीय
निर्वाचन आयोग 1951 की धारा 9 का क्लेम ये कहते हैं, उनमें दो बातें हैं, अच्युत और करप्शन, ये शब्द, और उसमें जो है साफ साफ लिखा हुआ है रिजर्वेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें कि ये संसदीय क्रिया अपनाई जाती है, उनमें ये साफ साफ कहा है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिसमिसल फॉर करप्शन ऑफ डिस्क्लोजर की धारा 2 फॉर द परपोज ऑफ सब सेक्शन फर्स्ट सर्टिफिकेट इशू बाई द इलेक्शन कमीशन टू द इफेक्ट द ए पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिसर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैज और हैज बीन डिसमिसड ऑफ फॉर करप्शन और फॉर डिस्पोजली ऑफ द स्टेट ऑफ सेल कंसुलरशिप। हमको जब किसी मामले में मेरे खिलाफ चार्ज करप्शन का नहीं बना, मुझे बर्खास्त करप्शन के मामले में नहीं किया गया, सेक्शन 9 पीपुल्स एक्ट के 1951 का मैं अपराधी नहीं हूं, तो सिर्फ एक चौकीदार जो बैठा हुआ है, जो कथित चौकीदार है और जो एक सीमा पर मरने वाला चौकीदार जो आ गया है जनता के बीच में, जिसके नौजवान 22 साल के लड़के की हत्या तक करा दी गई, जिसका अभी तक आरोप भी चार्जशीटेड नहीं हो पाई, अपराधी नहीं पकड़ पाए, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से जो रोकने का यह अपराध किया जा रहा है, मैं बता दूं कि सुबह 11:30 हमारी सुप्रीम कोर्ट की आयोजन सुनवाई है। थैंक यू।